नमस्कार, स्वागत करते हैं आज के बड़ी और मुख्य समाचार के इस वीडियो में। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर के लेकर के हाजिर हो चले हैं। दरअसल दोस्तों, आज की बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है बिहार से, और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का एक बड़ा ऐलान सामने आया है। लेकिन खबरों को विस्तार से बताने से पहले आज के मुख्य समाचार पर नजर डाल लेते हैं। लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार में एक बार फिर से 5 साल की सजा कोर्ट ने सुना दी है। जी हाँ, डोरंडा कोषागार में लालू प्रसाद यादव पर कई करोड़ का घोटाला का आरोप लगा और 5 साल की सजा लालू प्रसाद यादव को लेकर के सुनाई गई। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव के समर्थन में उतरे कार्यकर्ताओं ने कहा कि लालू प्रसाद यादव को अब जेल नहीं होगी और जेल ना जाने के लिए वह सड़कों पर उतरेंगे। वह एक इंसाफ के, जी हाँ, मंदिर को इंसाफ दिलाने की कार्य करेंगे। अगर आप भी चाहते दोस्तों कि बिहार में लालू प्रसाद यादव फिर से आए और वह जेल ना जाए, तो आप इस वीडियो को लाइक कर समर्थन दर्ज करना बिल्कुल भी ना भूले। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त नीतीश कुमार को लेकर के। नीतीश कुमार ने आज जनता दरबार लगाया। फरियादियों ने अपने तमाम बड़े फरियाद को लेकर के उनके पास पहुंचे। नीतीश कुमार ने सभी फरियादियों की फरियाद सुनते हुए लोगों को इंसाफ दिया। इसके साथ दोस्तों, हर एक सोमवार को जनता दरबार नीतीश कुमार लगाते हैं। नीतीश कुमार की भाजपा से अब लगातार पटरी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के जेल जाने पर नीतीश पर भी लगा बड़ा आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर विस्तार से 5 मिनट के अंदर। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है अखिलेश यादव की होगी जबरदस्त जीत। लालू प्रसाद यादव का दावा, लालू प्रसाद यादव ने दिया अखिलेश यादव को समर्थन। जी हां, भाजपा का उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साफ। एक बार फिर से बनेगी समाजवादी पार्टी की सरकार। समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए दोस्तों लालू प्रसाद यादव ने अपना फुल समर्थन दे दिया है। आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी की सरकार बने और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, तो वीडियो को लाइक कर आप अपना समर्थन दर्ज करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अब उनके ऊपर हो रही कार्रवाई से उत्तर प्रदेश की जनता इकट्ठी होकर वह पूरी तरीके से भाजपा के खिलाफ वोट करेगी। और भाजपा को अगर यह महसूस हो रहा है कि लालू प्रसाद यादव को जेल भेजवा देने से उत्तर प्रदेश का चुनाव वह हार जाएंगे, तो ऐसा नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और भाजपा का बहुत बड़ा हार होगा। इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आई। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है तेजस्वी यादव को लेकर के। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि इस सजा की सुनवाई के बाद में वह हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट में लालू प्रसाद यादव को लेकर के वह जाएंगे और वहां से उन्हें इंसाफ दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि निचली अदालत कई बार, जी हाँ, पूरी तरीके से खारिज कर दिया जाता है उनके मामलों को। अब एक बार फिर से वही चीज देखने को मिलेगा। लालू प्रसाद यादव निर्दोष है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने फंसाया। अगर भारतीय जनता पार्टी साथ मिला लिया होते तो राजा हरिश्चंद्र होते। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से, आपको बता दें कि मणिपुर के दौरे पर जाने वाले हैं। मणिपुर के दौरे पर जाने से पहले आपको बता दें, कुमकुम समुदाय के लोगों ने भयंकर ऐलान किया, कहा कि प्रधानमंत्री जब आप बता दें कि मणिपुर से नहीं जाते हैं तब तक पूरे मणिपुर में लॉकडाउन रहेगा। तो मणिपुर के अंदर प्रधानमंत्री के जाने से पहले विरोध हुआ और इस विरोध का असर देखने को मिल रहा है। आज प्रधानमंत्री का बड़ा रैली होगा मणिपुर के अंदर। बड़ी खबर इस वक्त की। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, स्टार प्रचारक के रूप में उतारा शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी ने दिखाया चाचा का ताकत, कहा कि चाचा के ऊपर अगर सवाल कोई कर रहा है तो ना करे, क्योंकि ज्यादा बेहतर उनके लिए यही होगा। दरअसल समाजवादी पार्टी के बड़े प्रचारक के रूप में स्टार प्रचारकों के लिस्ट में सबसे नंबर वन पर नाम को शामिल करते हुए चाचा शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी ने कमान दिया, कहा आगे की ओर बढ़ने के लिए चाचा को साथ लेकर चलना बहुत ज्यादा जरूरी। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, सहवाग समाजवादी और साइकिल को लेकर के प्रधानमंत्री का आपत्तिजनक बयान। आपको बता दें कि साइकिल को आतंकी से जोड़कर प्रधानमंत्री ने एक बड़ा बयान दिया। आपको बता दें कि जिस तरीके के बयान से कहीं ना कहीं हरदोई की जनता ने प्रधानमंत्री के खिलाफ जाने का निर्णय भी लिया। समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव चिन्ह को लेकर के आतंक से जोड़े प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जिस पर आग बबूला नजर आए।
बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है उन्नाव के में, जहां मृतक के परिवार से, मृतक लड़की से परिवार से आज प्रियंका गांधी ने मुलाकात किया। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल किया, कहा ढोल पीटने वाले कानून व्यवस्था को मणिपुर की जनता को यहां अब इंसाफ की जरूरत होगी। इसके बाद उन्होंने कहा कि उन्नाव की जनता को इंसाफ की जरूरत है, आप इंसाफ दिलाइए योगी जी, मुआवजे की जरूरत नहीं है, इंसाफ ही इस परिवार के लिए सबसे बड़ा मुआवजा होगा। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है 2024 को लेकर के अब तैयारियां ममता बनर्जी ने शुरू कर दी है। 2024 पर फोकस करते हुए 10 मार्च को जहां नेशनल कम्युनिटी की एक बार फिर से बैठक होने वाली है, और इस बैठक में अभी फिलहाल कांग्रेस को शामिल नहीं किया गया है, जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस बात को लेकर के मन ही मन जान चुकी है कि इस बार वह पूरी तरीके से अलग थलग पड़ने वाली है। जहां ममता बनर्जी ने टीएमसी को लेकर के तमाम नेताओं से मुलाकात करना 10 मार्च किया। कोरोना का मामला 24 घंटों में कम होता हुआ नजर आया, कोरोना ने 24 घंटों में राहत की तस्वीरें दी। 16,051 लोग कोरोना से संक्रमित हुए तो 206 लोगों की कोरोना से जान गई। वहीं कई हजार लोग एक बार फिर से कोरोना से रिकवर होते हुए भी नजर आए। कोरोना ने पिछली बार के मुकाबले इस बार तीसरे लहर का आशंकाओं से दूर जाते हुए साफ तौर पर लोगों को राहत की सांस दी है। हालांकि जनवरी फरवरी महीनों में राहत की जो सांस मिलती हुई नजर आई, आने वाले अप्रैल और मई के महीनों में ऐसे मिल जाए तो और भी बात बन जाए। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है इस वक्त, जी हाँ, आप बता रहे कि दिल्ली में आज तेज हवाओं के साथ बारिश होने की आशंका। इसके साथ बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इसके साथ जो कई राज्यों में जबरदस्त तरीकों से बारिश होने की अंदेशा मौसम विभाग ने जारी कर दिया। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क करते हुए घरों में बने रहने की अपील की। मौसम विभाग ने, जी हाँ, आप बता रहे कि उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में जबरदस्त बारिश का अंदेशा पहले ही जारी करते हुए लोगों को सतर्क कर दिया है। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है इस वक्त, आपको बता दें एक बार फिर से अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने बड़ा दावा किया, कहा कि रूस पहले ही यूक्रेन पर हमला करने का अपना जो है वो आदेश दे चुका है। रूस के आदेश के बाद में अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने दावा किया कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। यूक्रेन पर अगर हमला हुआ तो तेल के साथ गेहूं का भी अकाल पड़ेगा पूरे विश्व के अंदर। बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है आम आदमी पार्टी को लेकर के। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपने ताकत के साथ बड़े पैमाने पर सीटों को जीतने का किया हुंकार। चुनाव के बाद में आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस बार पंजाब में कांग्रेस का सुपड़ा साफ करते हुए हमारी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। यह दावे आम आदमी पार्टी ने खेलते हुए साफ तौर पर कहा कि इस बार सरकार बनाने के जो दाव है इसमें हम आगे हैं और आगे ही रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमने दिल्ली का विकास किया जनता इसे जान चुकी है, देख चुकी है। जनता इसे देखने के बाद में विचार किया कि पंजाब के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, पंजाब के सीटों पर हमारी जबरदस्त तरीकों से जीत होगी। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा सपा और भाजपा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही नाम को लेकर के आगे बढ़ते हैं। दरअसल आपको बता दें कि लगातार हिजाब विवाद के बाद में, और आपको बता दें जब से असदुद्दीन ओवैसी पर गोलियों चलने का मामला सामने आया तो असदुद्दीन ओवैसी मजबूत हुए। कम्युनिटी के लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी को मजबूत कर दिया है। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार की राबड़ी देवी ने दिया बड़ा बयान, कहा अगर भारतीय जनता पार्टी से लालू प्रसाद यादव हाथ मिला लिए होते तो आज राजा हरिश्चंद्र होते। गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले लालू प्रसाद यादव को जी हां फंसाया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गरीबों के मसीहा और गरीबों के कभी मुंह बोल रहे लालू प्रसाद यादव को आज फंसाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने गरीबों की लड़ाई लड़ी। आज लालू प्रसाद यादव इतने उम्र के बावजूद भी उन्हें जेल के पीछे ले जाया जा रहा है। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, शादी और विवाहों के ऊपर से हटा प्रतिबंध। कई राज्य की सरकारों ने शादी और आपको विवाहों पर से कोरोना के बाद में लगे प्रतिबंध को हटा दिया है, क्योंकि अब प्रतिबंधों को लगाए रखना उचित नहीं। कोरोना का मामला 24 घंटों में 16,000 आना शुरू हो गया है, जिससे नॉर्मल होने की स्थितियाँ और दिख रही है। शादी और विवाहों में अब एक बार फिर से ढोल नगाड़ों के साथ जबरदस्त तरीकों से बुलाया जा सकेगा भीड़।
एक बार फिर से आपको बता देते हैं दोस्तों, नए साल के दौरान नए कार खरीदने वाले तमाम लोगों को लग सकता है जबरदस्त झटका। टाटा मोटर्स ने अपने सीएनजी कार को जहां लॉन्च किया तो मारुति ने अपने तमाम कारों के कीमत में इजाफा कर दिया। किया सेल्टॉस ने एक बार फिर से किया करंस नाम से कार को उतारा जिसकी माइलेज पेट्रोल के इंजन में 18 होने वाली है। इसके साथ 7 सीटर इस कार की कीमत 8,99,000 रखा गया है। यह किया कार का सबसे बड़ा ऐलान इस वक्त का तमाम लोगों के लिए। इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त की। दरअसल दोस्तों आपको बता देते हैं कि एक बार फिर से बीएसईबी बोर्ड को लेकर के बड़ा बयान सामने आया है। बीएसईबी बोर्ड ने बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि इस बार इंटरमीडिएट और मैट्रिक की परीक्षा के छात्रों का रिजल्ट बहुत पहले जारी किया जाएगा। छात्रों के रिजल्ट को लेकर के पूरी तरीके से बयान उन्होंने दिया। बीएसईबी बोर्ड ने छात्रों को यह बताया कि इस बार रिजल्ट का कार्य शुरू कर दिया गया है जिससे रिजल्ट देने में किसी प्रकार से परेशानियों का सामना ना करना पड़े। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त। 10 मार्च को सरकार बनेगी, 19 मार्च को मिलेगा लाल कलर का एलपीजी सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर आपको बिल्कुल मुफ्त में। भारतीय जनता पार्टी ने कहा 19 मार्च तक होली के पहले दे देंगे एलपीजी सिलेंडर। 10 मार्च को सरकार बनाइए और इस बार का होली और धूमधाम और जबरदस्त तरीकों से मनाइए। उत्तर प्रदेश की होली देखने वाली होगी। योगी आदित्यनाथ के आने के बाद में एक बार फिर से जनता के अंदर बड़ा हुंकार होगा। वह इस बार होली के महोत्सव को और बड़ा बनाने का प्रयास होगा। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही इस वक्त। आलू प्याज टमाटर और इसके साथ हरे साग सब्जियों की कीमत में इजाफा। महंगाई की मार पर कांग्रेस का बड़ा वार। कहा आलू का माला पहन प्याज की गले में लटकाए घूमने वाले आज खुद प्याज की कीमत को इतना कर बैठे कि जनता परेशान है। महंगाई की मार से जहां जनता परेशान है तो गरीब के घर में प्याज का जाना ही दुर्लभ हो गया है। जहां 150 रुपये मजदूरी होती है वहीं प्याज की कीमत 50 रुपये प्रति किलो हो जाती है। भला क्या आम आदमी के अलावा खा सकेगा प्याज। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त दोस्तों, और सभी खबरों को विस्तार से बताएंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और मुख्य समाचार से। दरअसल दोस्तों हिजाब विवाद को लेकर के कर्नाटक में बड़ा बयान सामने आया है। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी देखने को मिला। जहां हिजाब के विवाद को लेकर के चुनाव हो रहे बूथों पर महिलाओं का हिजाब को लेकर के उतारने की बात कही गई। कहा गया हिजाब उतार कर आना वोट देने ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे लोगों की पहचान किया जा सकेगा। लेकिन हिजाब उतारने से महिलाओं ने कतराया और कहा हिजाब नहीं उतार सकते। महिलाओं को लगा कि कर्नाटक वाला ही हिजाब विवाद यहाँ भी हो गया। हिजाब को लेकर के महिलाओं ने अपना विरोध जताया। उसके साथ ही हिजाब का विवाद अब कर्नाटक में भी थमने का नाम नहीं ले रहा। कोर्ट में आज सरकारी वकील ने पेश किया इस मामले को। तो अब आपको बता देते हैं कि हिजाब पहन कर ना आने को लेकर के कॉलेज प्रशासन ने बड़ा बयान। कॉलेज प्रशासन ने कहा कि हिजाब पहनकर नहीं आना होगा। प्रैक्टिकल की परीक्षाएं शुरू है। प्रैक्टिकल की परीक्षाओं में अगर नहीं आइएगा तो आपको दोबारा से कोई चांस नहीं दिया जाएगा। तो प्रैक्टिकल की परीक्षाओं में बिना हिजाब पहने बुलाना शुरू कर दिया कॉलेज ने। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ, 5 राज्यों के होने वाले चुनाव को लेकर के पेट्रोल और डीजल की कीमत फिलहाल स्थित। पेट्रोल और डीजल की कीमत इतनी बढ़ने वाली है जिससे आपके भी दांत खट्टे हो सकते हैं। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पेट्रोल और डीजल की कीमत एक बार फिर से जहाँ घटने के कगार पर दिखाई जहाँ दे रही थी, तो अब प्रति बैरल पेट्रोल की कीमत 68 रुपये थी तो अब 100 डॉलर हो गई है। पहले 68 डॉलर थी, अब 100 डॉलर, जिससे कच्चे तेलों की कीमत बढ़ने पर पक्के तेलों की कीमत भी अब बढ़ने की अंदेशा जता दिया गया है। सरकार ने वैसे इसकी कोई भी सूचना जारी नहीं की, लेकिन सरकार की एक्टिविटी और 5 राज्यों के चुनाव से साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अभी फिलहाल पेट्रोल की कीमत स्थिर है। आने वाले वक्त के अंदर पेट्रोल की कीमत 120 रुपये प्रति लीटर से लेकर के 135 रुपये प्रति लीटर तक कई राज्यों में हो सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।